हाँ तो भाई सीन कुछ यूं है कि आपका भाई वापस आ गया है, कुछ दिन बिजी था आपका भाई और वापस आया, तो भाई बाबा इधर तो अलग ही सीन चल रहा है वर्ल्ड कप में। बांग्लादेश को पाकिस्तान हरा रहा है बड़े मार्जिन से, और श्रीलंका कल 55 रन पे ऑल आउट हो रहा है, ये भी देखने को मिल गया। और बाबू साउथ अफ्रीका का तो अलग ही सीन चल रहा है यार, साउथ अफ्रीका जो है वो उम्मीद के मुताबिक बड़ी अच्छी जा रही है। न्यूजीलैंड को उन्होंने बड़े अच्छे मार्जिन से मैच हराया, तो टेम्बा बमुमा के लिए भाईजान एक बार दफा फिर तालियां होनी चाहिए यार। क्यों? क्योंकि यार टेम्बा बमुमा को जो अब कोई भी नहीं छेड़ेगा यार, ना उसको कोई बोलेगा बड़ी टिक्की वाला आदमी, ना उसको बोलेगा भाई वो तो सोता रहता है। टेम्बा बमुमा जो है अब हमारी जान हो गया है, हमारा लव हो गया। उम्मीद के मुताबिक न्यूजीलैंड जो है वो अपने 2 मैच हार चुकी है जब से हमने उम्मीद लगा के बैठी है, और अगर थोड़ा सा हम रियलिस्टिक होते हैं यहाँ पे भाई, पाकिस्तान के अभी 2 मैचेस और हैं, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल भी भाई। न्यूजीलैंड से पाकिस्तान को मैच जीतना है और इंग्लैंड से जीतना है। रियलिस्टिक अप्रोच ये है भाई कि इन दोनों से तो मैच जीत जाओ, दूसरों पर रिलाय बाद में कर लेना, न्यूजीलैंड कब हारे कब जीते ये चीज़ें बाद में होंगी। अभी न्यूजीलैंड से जो मैच है ना पाकिस्तान का कल, उसको देख लो पहले, वो जीत जाओ, उसके बाद न्यूजीलैंड एक और मैच हार जाए, फिर उसके बाद पाकिस्तान इंग्लैंड से जीत जाए, तो भाई अभी दिल्ली दूर है। पाकिस्तानी फैंस ज़्यादा खुश ना हो, पहले पाकिस्तान मैच जीत जाए उसके बाद उम्मीदें लगाना। और भाई ये नौबत तो आनी नहीं चाहिए थी यार, फिर पीछे जाएंगे फिर पुरानी बातें करेंगे, ये नौबत आनी नहीं चाहिए थी। काश काश पाकिस्तान अफगानिस्तान से मैच जीत जाता, काश पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से मैच जीत जाता, तो ये नौबत ही नहीं आनी थी, इस टॉपिक पर बात ही नहीं होनी थी। पाकिस्तानी टीम ने आज प्रैक्टिस सेशन किया है सुबह में और 2 दिन के गैप के बाद, और न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर इज के शादाब भाई जो है वो अनफिट हैं अभी तक, और मोस्ट प्रोबेबली वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे, और शायद अगले 2 मैचेस जो हैं वो अबरार को चांस मिलें, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी अबरार के लिए अगर उसको चांस मिलता है। और मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ अबरार जो है वो पाकिस्तान के लिए अभी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। बॉलिंग जहाँ में पाकिस्तान बॉलिंग में फंस रहा है वहाँ ये वाला गैप फुलफिल कर सकता है अबरार। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि क्या होता है, क्या किसके हक में बेहतर होता है। शादाब कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो हो सकता है अबरार उसकी जगह आ जाए। तो गुड थिंग इज दैट पाकिस्तानी टीम फॉर्म में है अल्हम्दुलिल्लाह वापस, और फखर पहले दिन से कह रहा हूँ भाई, फखर को कंटिन्यू चांस देते रहते तो फखर अपनी परफॉर्मेंस वापस दे सकता था। और वही युवा 3-4 मैचेस बिठाए और वो वापस आया, और उसने बड़ा तगड़ा आके मैसेज दिया कि भाईजान मैं वो बंदा हूँ जो मैच आपको निकाल के दे सकता हूँ, तो मुझे बिठाने की कोशिश मत करना अगली दफ़ा। अफसोस की बात ये कहने को है कि इमाम को बिठाया और फ़खर को लेके आए और फ़खर चल गया। अगर ये काम पहले कर लेते तो ये नौबत नहीं आती। इमाम को पहले दिन से समझा रहे हैं भाईजान आपकी वो क्रिकेट नहीं है, मॉडर्न डे यू आर नॉट अ मॉडर्न डे क्रिकेटर, आपको वापस से डोमेस्टिक जाना पड़ेगा, डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी मॉडर्न डे क्रिकेट को सीखना पड़ेगा, अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा, फिर वापस टीम में आना पड़ेगा, और जब टीम में आओगे तो शायद इंतजाम होंगे तो आप टीम में आओगे। तो ये नौबत आ गई आपकी, तो पहली फुर्सत में निकल दादा, पहली फुर्सत में निकल, नज़र नहीं आना वर्ल्ड कप के बाद। ये स्पेशली इमाम के लिए मैसेज है। इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक सुप्रीम फॉर्म में है, रिजवान अपनी फॉर्म में है, बाबर आजम को क्लिक करना पड़ेगा, बाबर भाई आप अपनी फॉर्म में आ जाओ वापस, आपकी फॉर्म हम में आना बहुत ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम योर कप्तानी यू आर अ ग्रेट क्रिकेटर, यू आर अ ग्रेट बैटर, तो भाई अपने नंबर वन होने का सबूत दिखाओ और बैटिंग अपनी दिखाओ ताकि आपकी टीम परफॉर्म करे आपकी वजह से। क्योंकि ये एक बात तो क्लियर हो गई है, 4 सालों में आपको कप्तानी करना नहीं आई भाईजान, बड़े फ्लॉ हैं आपकी कप्तानी में, तो मोस्ट लाइकली वर्ल्ड कप के बाद आप कप्तानी से हट जाओ। तो भाई लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कल पाकिस्तान मैच जीते इंशाल्लाह, और आगे की जो स्ट्रीक है उसको कंटिन्यू करे, और न्यूजीलैंड हारता रहे तो पाकिस्तान जीतेगा भाईजान, तो पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुँचेगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।